दोनों विन, ये दोनों विन था गाइस। ओ यार, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जस्ट अभी शॉवर लेके हमने दोबारा अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया, और पिछले ब्लॉग में बोला कि हमारे घर में आएगी खुशखबरी, आप लोग परेशान हो गए कि पता नहीं कैसी खुशखबरी, हम कुछ ना कुछ बताए थे, थोड़ा सा गाइस क्लिकबेट भी होता लेकिन खुशखबरी थी। इतनी गर्मी में बारिश चल रही थी, हमारे घर में आ जाना था सिस्टर ने, जो कि एक दो दिन के लिए आ रही थी, इस बार आई है। अनवित की थोड़ी सी छुट्टियां रह गई और हमारा ट्रिप प्लान भी है समर वेकेशन के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए। फिलहाल अंदर चलते हैं। अंदर अनवित कैसे हो? ये नहीं बात कर रहा चोरा, नानी के घर आया, थोड़ी मस्ती वस्ती कर। और फिलहाल मम्मी इधर, मम्मी थक चुके हैं और आज खाने में हम अपने जवाइयों को खिला रहे हैं खिचड़ी। ऊपर बैठ जाओ, नहीं नीचे बैठ के मजा आता है। एक्चुअली गाइस मम्मी की हिम्मत नहीं थी, आपको भी पता, मम्मी आज ट्रैवल करके आए हैं मेरे साथ, तो खिचड़ी बना ली। तो हमने बोला कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हैवी फूड नहीं खाया जाता। खिचड़ी खाओ, मस्त रहो और अच्छी नींद सो और सुबह अच्छे से फ्रेश आओ। ये कुछ ज्यादा बोल रही है मैंने, है ना। फिलहाल दही बन रहा है और हम भी खाते हैं गाइस। और ऊपर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं छत पे सोऊं, पर देखो क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बारिश से इतना बढ़िया मौसम है, चंदा मामा भी वेट कर रहे हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी हम जाते हैं सैर करने के लिए, चंदा मामा से मिल के आते हैं और आपको भी मिल पाते हैं। होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए कि किस बात खुशखबरी की बात कर रहा है। खुशखबरी ये है, हमारे घर में आई है रौनक बहुत दिनों बाद। गाइस दे रही हमारी खिचड़ी विद देसी घी और जे रहा हमारा दही। कंचन ऊपर बैठ जाना था, पंकज जी नीचे बैठाया हुआ है, सब इकट्ठे बैठ जाते हैं ना। अम्मी तो इधर छिपके बैठे। अनवित हाँ बढ़िया हो गया ना मौसम, काम काम के मेरी हालत बहुत है। हाँ मैं तो स्कूटी का चाबी ना लगे, बहुत बुरी हालत हो गई, सिर फुट फुटियां। गाइस आज चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं बादलों में। मैं खाना खुना खाने के बाद ऊपर आया हूँ, वैसे टाइम 10:30 हो रखे हैं, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी। कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, मन किया कि मैं ना आज यहीं पे सो जाऊं, और मैंने यहाँ पे बिस्तर करा लिया, सही है ना। सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आपको। हमारे भी आया, ये नीचे सोएंगे ना। चंदा मामा तो तुम्हारे दिखे नहीं बादलों के बीच में। चंदा मामा हमारा क्या है, फायदा क्या है, सुबह जल्दी जाग भी खुलेगी मेरी, और फ्रेश एयर में सोना चाहता था मैं, मेरा बस ये है कि मॉस्किटो ना काटे मेरे को, यही तो होता है। मजा क्या है, अलग ही बात है। और व्यू सामने देखा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे शादी से पहले सोता था मैं अकेला तारों के नीचे तारों के नीचे तारों के नीचे, और सच में तारे हैं ना ऊपर, तारे आज है नहीं चंदा है बीच बीच में, वो देख नीचे में, वो देखो सप्तऋषि। गाइस सप्तऋषि जो जाते हैं ना सबके एरिया में दिख रहे होंगे, वो देखो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 गाइस गुड मॉर्निंग टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो फिलहाल आज मैं जस्ट अभी शावर वगैरह कपड़े वगैरह चेंज कर बैठा हूँ, क्योंकि आज मेरे को कहीं नहीं जाना, और ये भी रेडी हुआ क्योंकि ये रात बहुत बीमार हो गया था, शाम के टाइम इसको मेडिसिन वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि हमने जाना भी है। हाँ जाना पता है ना, डॉक्टर के पास सुई लगवाने जाना है। तो गाइस हमारे घर के पास ही भंडारा है, तो हमने फिलहाल मैं मम्मी और ये जा रहे हैं वहाँ पे माथा टेकने के लिए, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। आज मैं थोड़ा गाँव में ही टाइम दूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अगर टाइम हुआ शाम के टाइम जाऊँगा। तो फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मौसम कैसा हो रखा है, अच्छा ऐसे हो रखा है ना, बढ़िया बारिश होने वाली है, बारिश हो चुकी है अभी तो, बस हुई है, क्या कहते हैं बादल बादल ठंडा ठंडा हो रखा है। और गाइस आपके एरिया में कैसा चल रहा है मौसम बताना, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ठंड बहुत कम हो चुकी है। और मैं अभी छत पे जाके ये ऐसा माहौल था, और मैं पानी रख गया पक्षियों के लिए, जो कि आपको रखना चाहिए, ढेली और ये बाग लिया। तो फिलहाल मिलते हैं हम आपको आगे आगे। मम्मी फिलहाल कपड़े चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि हम जाएंगे जरा माथा टेक के आएंगे, क्योंकि जो भंडारा करवा रहे हैं गाँव में तुम्हारी जगह वो आप माथा टेकने जाते हैं पूरे गाँव वाले। तो हम भी फिलहाल रेडी हो रहे हैं, मम्मी रेडी नहीं हुए, हो गए तैयार मम्मी? हाँ। चलें फिर, बहुत लेट हो गए, लेट मैं था, कितने काम किए इधर तो, मैं भी कितने, मैं सवेरे उठे आ ना था, मैं टॉयलेट जाके आया, मैंने बहुत काम किए गए। तेरी क्रॉस बड़े सुंदर है, ये तेरी फोटो है? नहीं तो जेता मुझे क्या? अच्छा, तो हम पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, फिलहाल मम्मी वो जा चुके हैं और हमें जाना उन पेड़ों के पीछे, पेड़ों के बीच में है। पहले यहाँ पे भी होता था भंडारा,
बट आज ही अपने घर करवा रहे हैं हमारे बिल्कुल पड़ोस में, और नहीं तो यहाँ पे ना गर्मी वगैरह हो जाती है बहुत, बहुत खुला खुला सा लग रहा है। तो चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, हमारे घर इधर है और घर ये वो मंदिर है ना वो वहाँ पे दिखाई देता है ना हमारे घर से बिल्कुल बीच में गया, और इस तरफ है मेरे नान के। ये गाइस ढोल वहीं पे बज रहा है, और इस खेत में लगाई गई है शायद कद्दू की सब्जी, कद्दू ये तो होगा मेरे को ज़्यादा पता नहीं, विशाल तेरे को पता है तू बता ये कद्दू का क्या है, और आई थिंक ये बैंगन के पेड़ लग रहे हैं। चले गाइस हमने माथा वगैरह टेक लिया, मैंने मम्मी ने एक्चुअली हम बता दे पीछे शोर आ रहा था कि लगता था पीर की जगह है जहाँ पे हमारे पड़ोस में ना उनके ना कुर्बा बच्चे थे तो उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी, तो आज उन्होंने भंडारा वगैरह किया तो यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए थे हमारे गाँव की, लगता था पीर की जगह है ये वाली, तो अभी माथा वगैरह टेक लिया और अभी बस छिंज होती है उसका शगुन करेंगे। और गाइस यहाँ पे इतना बढ़िया लग रहा है ना पूछो मत, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ओए होए होए नीचे कांटे हैं, ये देखिए नंगे पांव ना घूम रहा मैं, और फिलहाल अनभी तो शरारते कर रहा है अभी फिर ही ले रहे हैं सब। मैंने तो गाइस फाइनली अब करवाएंगे कुश्ती इन दोनों बच्चों की, ये दोनों ट्विंस ये दोनों ट्विंस है गाइस। तो गाइस ये थे ट्विंस जिनकी सुखना थी, और एक्चुअली इनकी कुश्ती भी करवाई गई। बढ़िया, कौन हारा कौन जीता? ये दोनों ट्विंस है, तू जीता, कितने कितने रुपए बने तुम्हारे? एक गाइस पैसे भी मिले हैं, ये बहुत क्यूट लगते हैं, हमारे घर के रैंप पे आ जाते हैं और डेली खेलते हैं वहां पे, तो इनको टॉफी और चॉकलेट वगैरह देते रहते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं घर, और वहाँ पे भंडारा वगैरह है, वन भी सबसे आगे निकल गया, मेरे को ये वाला एरिया देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है, इधर है आम के बगीचे, आम वगैरह लगे हुए हैं और बाकी लोग आ रहे हैं इधर को, हम निकलते हैं क्योंकि गर्मी भी लग रही है और अनभी का भी मन भी लग रहा है, वो देखिए कहाँ पहुँच गए इतनी दूर के लिए। गाइस मैं 2-4 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, बहुत कम आना होता है ना इस तरफ, और इसी बहाने से अपना गाँव भी दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा 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 घूम के दिखा देते हैं आपको, आप कहते हो ना गाँव नहीं दिखाते, ये भी हमारे गाँव का पार्ट है छोटा सा, आम के बगीचे भी है यहाँ पे जो कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जहाँ पे भाभी बैठ के हमें देख रहे हैं कह रहे कि हमारी भी वीडियो बना लो, हमारे सब्सक्राइबर भी है, हमारे बहुत अच्छे नॉन भी है, तो आधी भी बना ली। मम्मी बुला रहे थो, चलो इधर बना ली शॉर्टकट, इधर नहीं तो गाइस बहुत कम आना होता है इधर, तो हमारे यहाँ पे मम्मी को मासी बोल रहे हैं, और हमारे कह रहे हैं कि आ जाओ इधर हमारे घर, तो थोड़ा सा आए हैं तो इधर जाते फिर तो बहुत कम आना होता है। ये मेरे को ये वाले पेड़ ना बहुत अच्छे लगते हैं, और फिलहाल निकलते हैं हम, मम्मी निकल गई इधर को, मेरी गाड़ी ये खड़ी हुई है, मम्मी कुत्ता भी होंगे ध्यान ना, ये वधिया तो उसी आम के बूटे थले बैठे हुए हैं ना ठंड, गाइस आप कहते हो ना कि हम गांव में नहीं घूमते, तो हम गांव में घूम रहे हैं, अपने पड़ोसियों के पास जा रहे हैं, बहुत कम घूमना होता है, ये बच्चों मन मन मुस्करा रहे, मेरे वीडियो देखते हो अब आओगे आप, इधर भाभी जी आने बहुत घट होना, तो हसते जी आगे तुम मैं क्या बहुत टाइम बाद आओगे, कम से कम 5-6 साल बाद आया मैं यहाँ पे। गाइस जहाँ पे आम लगे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली आम के पेड़ के नीचे बैठ के ना जो मजा आ रहा है ना पूछो मत, लाइट हो या ना हो लेकिन पेड़ तभी कहते हैं कि लगाने चाहिए, अभी फिलहाल ये काम
आम, मैं काम बोल रहा हूँ, आम कच्चे हैं क्योंकि ना ये अचारी तो नहीं है, दूसरे हैं, पक जाएंगे ना, जब पक जाएंगे फिर भेजना हमें। चले मम्मी फिर। दादी तेरी ठीक है? तू जान दे दादी ना। मैं जाएगी करी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। इसको आम के पेड़ के ऊपर चढ़ना है। गिरेगा तू? जो हम बचपन में छोटे हम भी ऐसे चढ़ते होते थे। मैं चढ़ के बताऊं थोड़ा सा। ये देख मामू चढ़ जाएगा। चढ़ जाऊं मैं? हैं? तो गाइस फिलहाल खाना खाने के लिए मैंने ले लिया मीठे चावल, चावल मंडा जिसे हम रुमाली रोटी बोलते हैं, ये है कोफ्तों की सब्जी, मटर पनीर और दही पकौड़ा, दही पकौड़ा नहीं कड़ी पकौड़ा, इसे कैसे। तो गाइस खाना खुना खाया है और अनवित जहाँ पे बैठ के देखिए अपने लिए अलग से लंच लेके आया, चॉकलेट टॉफी बिस्किट नमकीन, मेरे को ये बात नमकीन बहुत अच्छा लगता है। ये खाएगा तू? खाना नहीं खाना? खाना खाते है बच्चे? तेरा कड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है कड़ा तेरा। नानी है थोड़ी से तो है, दादी दाए मेरे को दे दे। तो गाइस मेरे को आना था लेंस कार्ट में, एक्चुअली मेरे जो स्पेक्स क्लीनर वाला स्प्रे था ना वो खत्म हो चुका है, मैंने कहा मैं आया हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा अपने लिए वो भी ले चलता हूँ नहीं स्पेक्स के लिए, यहाँ पे नई नई स्पेक्स बनी होते हैं, मन करता है अभी और बना ले और बना ले। गाइस क्लियर है मेरे लेंस क्लीनर, एक्चुअली एक लेते हैं तो 150 का, अगर दो लेते हैं 146 के, क्या स्कीम है यार, ये भी अच्छा है, ये वाला कलर भी अच्छा है, हल्का सा येलो सा, थोड़ा सा बड़ा बना। इसको छोड़ो वहाँ पे रखो, वहाँ पे रखो, मेरे स्पेक्स गुम हो गए। तुम्हारी स्पेक्स कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लो। और अनवित भी मेरे साथ है, मेरे को भूल गया था, ये कह रहा था कि नानी की दवाई ले लो, और हमने जाना है तो मैंने सोचा कि मम्मी ने पैसे दिए थे, कह रहे कि आते हो मेडिसिन लेके आना, मम्मी ने आते हुए स्पेशली बोला था कि मेडिसिन लेके आना, तो फिलहाल जा रहे हैं हम यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे। फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूँ और ये रहे मेरे लेंस क्लीनर जो कि मेरे को चाहिए, क्योंकि ना मैं अपनी स्पेक्स इसी से साफ करता हूँ। ये 150 के दो नहीं, एक 146 के दो और 150 का एक है, फिर दो लेके फायदा इसका, और कंपनी की पॉलिसी, और ये मम्मी की मेडिसिन जो कि ख़त्म हो रखी थी, मम्मी आपकी मेडिसिन ले आया मैं, ठीक है। क्या बात, आज भंडारे वाला खाना आ गया, बस इतना सही, चलो है ना, चलो ठीक है। ये इधर हो गया अनवित की फोटो, क्या होती है स्टरलाइज। और गाइस फिलहाल ओ कंचन इसकी तो तैयारी भी हो रही है ना, कपड़े प्रेस हो रहे जाने के लिए। अनवित तेरी तो रेडी शेडी हो गया यार, तू तो पहले ही हमसे पहले ही। गाइस मेरे को भी अपनी पैकिंग करनी है, कल का डे मेरे को ना सारा इसी जगह पे यूज होने वाला है, मेरे को अपने लिए पैकिंग करनी है, कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं बहुत ज्यादा, जो जो बुकिंग करवा रखी हुई है, और कुछ खाने पीने के लिए सामान कलेक्ट करना है, बहुत से कुछ काम है, कटिंग करवानी है, ट्रिमिंग करवानी है, कंचे इसकी भी कटिंग करवा दूंगा और कंजा करवा दूंगा हेलीकॉप्टर में। बेटा कंचे देखेंगे, अगर वापसी में अगर हेलीकॉप्टर मिला ना तो देख लेंगे ना, वैसे तो बुकिंग हो रखी है, नहीं वापसी में मिल सकेगा बट ऑलरेडी हमारी बुकिंग हो रखी है, फिर क्यों पैसे वेस्ट करने, देख लेंगे है ना, जैसा भी होगा नहीं घुमा देंगे, कोई बात नहीं, जाएंगे बेटा जाएंगे। चले गाइस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, और फिलहाल भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, हे प्रभु सब अच्छा अच्छा करना। आज मैंने पता नहीं सुबह माथा टेका नहीं था, टेका था वैसे दिखाया नहीं था। और गाइस इसकी बात सुन, कहता हम भगवान जी को भी लेके जाएंगे, वो वैसे अकेले कैसे रहेंगे, ज्यादा वैष्णो माता जाना, कहता ठाकुर जी को साथ लेके जाना, कहाँ रखेंगे चले गए। इससे था और मेरे को लगता है इधर पैकिंग चेकिंग हो रही है, तू रेड बैग तू ले गया ये वाला, ये वाला अच्छा अच्छा। और गाइस ये भी मेरे को वॉश करना है पानी वगैरह रखने के लिए, था वो भंडारा था ना जो लखदा जी का होता है, वहाँ पे गए तो छिंद भी करवाते हैं, तो बच्चों की छिंद करवाई, इसकी नहीं करवाई, इसको वैसे 20 रुपए मिल गए, पता वो नहीं है रघु भाई दो जुड़वा उनकी भी मैंने की है, रिकॉर्ड किया है। गाइस आपको भी अच्छा लगेगा ये हमारे गाँव के, कुछ गाँव के क्या सब जगह पे ऐसे होते है, इसको बोला था लड़ने के, कह रहा मैंने नानी के साथ लड़ना है, किसको फोन मार दिया तेरे को, यही पे फोन मार के बात कर रहा है, क्या बात है, बहुत तेज है। चले गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए पेंड करते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। ये देखिए कितना तेज है वो, फोन करके दूसरे फोन पे बात कर रहा है आपस में। बाय कर दो, बाय गाइस, बाय। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।